वह गिना का कबलफा करेगा। अल्लाह ने मालदारी दी है, बेनयाजी अता फरमाई है, अपनी जरूरतों के मामले में आपको अल्लाह ताला ने किसी का मोहताज नहीं बनाया है। अल्लाह ने सब असबाब वसाइल आपकी जरूरतें अपने खजाने से बराह रास्त पूरी कर दी है, तो अब गोया आप किसी के मोहताज बने, फकर आवे उससे पहले उससे फायदा उठा लो, और इन असबाब वसाइल की जो कदर करनी चाहिए और उससे अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करनी चाहिए कर लो। वो फराग का कबल शुभ लेगा, यहां भी वही बात, अपनी फुर्सत को मशगूली से पहले। आदमी को जब फुर्सत मिलती है तो उसको ख्याल नहीं आता, फिर जब मशगूली आ जाती है तो क्या तमन्ना करता है, अब कोई अल्लाह ताला फुर्सत दे तो ये काम करूंगा, लेकिन वो निकल चुकी है फुर्सत। वह हयात का कबल मौत देगा, और जिंदगी जैसी भी हो, टूटी फूटी लूली लंगड़ी, बरा है वो क्या जिंदगी, मौत से बाहर हाल में एक आदमी पांव अपने बिस्तर पर पड़ा हुआ है, चल नहीं सकता, अपाहज है, हाथ से कोई चीज पकड़ नहीं सकता, लेकिन जबान तो हिलती है, सुभान अल्लाह तो अपनी जबान से बोल सकता है। एक सुभान अल्लाह कितना कीमती कि उसकी कीमत का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता।